सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, ये रहा खुफिया मुआहिदा। मंसूबा कामयाब रहा और दस्तावेजात हासिल हो गईं। तबीब उसे कहो कि जो जरूरी है वो करे, लेकिन बचा ले फौत को। उनका कहना था कि शिवनास खातून गद्दार है और वो उनको और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी देती थी। आप देखेंगे, जब हम नौजवान तुर्कों का इजलास मुनक्किद करेंगे तो वो कैसे नौजवानों की ताकतवर जमात बनकर रियासत की तकदीर बदल देंगे। हम जल्द इजलास मुनक्किद करेंगे जिसमें हर मामले पर बात की जाएगी और अहम फैसले होंगे। मेरी बहन नहीं मरी है, क्योंकि वो तो उस बग्गी में थी ही नहीं। खलील खालिद मेरे पास सबूत लाए हैं। बाज़ंतीनी मुहाफिज मेरी मदद करें। उनकी हिफाजत कौन करता है? कुस्तुनतुनिया के शहंशाह। बाज़ंतीनियों की मदद कुस्तुनतुनिया के शहंशाह करते हैं। ये ले चाबी और चाय। आप ठीक तो है ना स्नेहा सुल्तान? स्नेहा हूँ मैं। कौन स्नेहा सुल्तान? तो ये हकीकत है। निशान और एक नक्शा। ऐवान को बहाल कैसे करेंगे? तुर्क नौजवान इजलास मुनक्किद करने वाले हैं, जिसमें वो आपको सल्तनत उस्मानिया की नई हुकूमत के तौर पर तस्लीम करेंगे। फिलहाल हम आपसे ये चाहते हैं कि आप वेम्बरी साहब का ताकुब कीजिए, बहुत मोहतात होकर। रुथशाइल ने यह मुझे इसलिए दिया क्योंकि वो मुझे अब्दुल हमीद के सामने इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी शिवनास। रुथशाइल की तरफ से खबर आई है। जोतू पाशा जी। शहजादे सबाहुद्दीन, एक अहम मामला है। इजलास के इंतजामात के लिए पेरिस के आला अहदेदार से बात करनी है। मेरी तरफ से आप उससे मुलाकात करें, मुंतजर होगा वो। जी जरूर, लेकिन आपको फौरन जाना होगा, पहले ही देर हो चुकी है। मुझे लगा था नहीं जाएगा। जनाब रुथशाइल ने क्या कहा है? आईनी बादशाहत के वो नाइबीन जिन्हें अब्दुल हमीद ने बरतरफ कर दिया था पेरिस आ रहे हैं। मगर क्यों? अपनी हुकूमत कायम करने। एक मुखालिफ हुकूमत। तमाम दूसरी रियासतें इस हुकूमत को तस्लीम करेंगी। इस तरह दो तुर्क हुकूमतें होंगी। अब्दुल हमीद के सफीरों को बरतरफ करके इस हुकूमत के सफीरों को तस्लीम कर लिया जाएगा। अब्दुल हमीद के पास तख्त से उतरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। बहुत ही बड़ा मंसूबा है ये।
सुल्ताना, मैंने सिनेहा सुल्तान के बारे में सुना। मैं उनकी खैरियत जानने और कुछ मालूमात देने आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ जड़ी बूटियाँ इंसानों को वहम की मर्ज में मुब्तला करती हैं। इसमें इसकी वजाहत भी की गई है। यानी आप कह रही हैं कि सिनेहा सुल्तान ने इन जड़ी बूटियों में से कुछ खाया है, यही कह रही हैं ना आप? यानी मुझे नहीं लगता उन्होंने खास मकसद के लिए खाई हैं, लेकिन हो सकता है किसी ने उनके खाने में मिला दिया होगा। शायद कोई है जो चाहता है कि सिनेहा सुल्तान बस बीमार ही रहे। शिवनास खातून, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। कोई ऐसा क्यों चाहेगा कि सिनेहा सुल्तान मर जाए? सुल्ताना, वो आपके और सुल्तान मोहसम के दुश्मन हो सकते हैं। जब वो आपको नुकसान न पहुंचा सके तो उन्होंने सिनेहा सुल्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जुल्फत कालफा, जी सुल्ताना, तबीबा को इत्तला दीजिए, सिनेहा सुल्तान का खून लेकर जांच कीजिए कि कहीं उन्हें कोई जहर तो नहीं दिया गया। लेकिन सिनेहा सुल्तान महल से जा चुकी हैं। महमूद पाशा उन्हें अपने घर ले गए हैं ताकि कुछ याद आ सके। ठीक है, फिर वो घर जाकर खून हासिल करें और उसकी जांच करें। हम बेचैनी से नतीजे के मुंतजिर हैं। जो आपका हुक्म सुल्ताना। आइए सिनेहा, आइए आइए, आ जाइए। आपको याद आया क्या, हमने इस प्यारे से घर में अपने बच्चों की परवरिश की थी, कुछ याद आया आपको? सिनेहा, सिनेहा, बच्चों की तस्वीरें, सबातीन का बचपन, लुत्फुल्ला का बचपन, आपको हमारे बच्चे याद नहीं क्या? हमें याद नहीं है कुछ भी। आप क्यों इसरार किए जा रहे हैं बार बार? अल्लाह अल्लाह। हाँ, आपको ये जरूर याद होगा, देख लीजिएगा, जब हम दोनों जवान थे, आपकी मोहब्बत पाने के लिए मैं आपका पीछा करता था, मैं भी आपकी तरह खूबसूरत था, ये आपको याद होगा, मेहरबानी करके याद कीजिए। हम सब कुछ पहले की तरह शुरू नहीं कर सकते सनिहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब आपकी मोहब्बत पाने के लिए आपका पीछा कैसे कर सकता हूँ मैं? ऐसा मत कीजिए सनिहा। आपको पीछा करने की जरूरत नहीं है, हम शादीशुदा हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, आपको याद आ सकता है सनिहा, आप जानती है कि आप खाना बहुत जायकेदार बनाती हैं, मुर्गी की टांग, खुश्क गोश्त और मीठा तो इंतहाई शानदार बनाती हैं आप। याद आया, हमारा खानदान खाना खाया करता था मजे ले लेकर, आप इतना मजेदार खाना बनाया करती थी कि मैं क्या बताऊं आपको, यानी मुकम्मल और जायकेदार, एक दिन में आप कई बार खाना बनाती थी, बहुत जायकेदार, याद आया? लेकिन क्यों, खाना बनाने के अलावा कोई काम नहीं करते हम? आप और भी बहुत से काम करती थी, लेकिन आपने मुझे कभी नजरअंदाज नहीं किया सनेहा, आप एक अच्छी बीवी हैं, आपको याद नहीं आया? चलिए तो फिर हम ऐसा करते हैं सनेहा कि घर का चक्कर लगाते हैं, हर चीज को गौर से देखिए, शायद कुछ हो जिसे देखकर आपको सब कुछ याद आ जाए। आपने बुलाया मुझे? ओजानियन, बैठो। मंशियात का काम संभालने की जिम्मेदारी तुमसे वापस ले रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि कीमियादान का ख्याल है कि तुम्हें मंशियात के काम का तजुर्बा बिल्कुल नहीं है। पहले वो अपना काम मुकम्मल कर ले तो फिर मैं उसे बताऊंगा कि मैं कितना तजुर्बाकार हूं। हम उसे मानेंगे नहीं, उससे जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे हम।
कीमियादान लार्स को काम सिखाकर अपनी बीवी के साथ वापस चला जाएगा और तुम मेरे साथ रहोगे। और जुए खाने का क्या होगा? अब तुम वहां नहीं जाओगे। खलील खालिद और उसके आदमी जुए खाने के सामने चक्कर लगाते रहते हैं, वो तुम्हारा वहां इंतजार करते हैं। यानी अब मैं उनसे छुपता फिरूंगा? नहीं, क्योंकि शिकारी अगर शिकार से छुप भी जाए तब भी याद रखना आखिर में जीत हमेशा शिकारी की ही होती है। फिर हम क्या करेंगे? सांदर हमें बताएगा कि हमें कब, कहां, कैसे और क्या करना है। क्या आप मुझे टेलीग्राफ के दफ्तर ले जाएंगे? अभी तो गए थे। मेरी अम्मी ने कहा कि मैं उन्हें हर लम्हा बाखबर रखूं, वरना वो परेशान हो जाएंगी। चाचा इजाजत देंगे तो जाएंगे। ले जाओ आसिफ, ले जाओ। ठीक है चाचा, चलो। फिक्र ना करें जनाब, बच्चा इस मंसूबे की तकमील के बाद खैरियत से घर पहुंच जाएगा। एहतियाती तदाबीर कर ली है, गली का रास्ता बंद कर दिया है, उसे खाली रखना। मैं ये हर किस बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमें कोई और नुकसान पहुंचे। चाचा, अहमद पाशा आपसे मिलना चाहते हैं। चलो उस्मान, पता करते हैं कि हमारे पाशा हमसे क्या चाहते हैं। खुश आमदीद। अगर तुमने मुझसे तलाक लेकर जोरिस से शादी की तो मैं तुम्हें और उसे जान से मार दूंगा। पेरिस में सब कैसा रहा? रुबीना, तुम मेरी बीवी हो। बकवास बंद करो, मैं किसी की बीवी नहीं हूं गारो। तुम मेरी बीवी हो। चलो इस मामले को आराम से हल करते हैं, या फिर दोनों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। जॉरिस के साथ मेरी शादी बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे हमारी शादी, यानी सिर्फ मकसद के लिए। मैं सब्र के साथ तुम्हारा मुंतजर रहा, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहता था। मैं तुम्हें उसे नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें तलाक दूंगा। सुल्ताने मुअज्जम, हमने आपके हुक्म के मुताबिक उन तुलाबा की जांच की जिन्हें तालीम हासिल करने के लिए मगरिब भेजा जा रहा था। क्या सूरत हाल है? सुल्ताने मुअज्जम, उनमें से कुछ तुलाबा बाकायदगी से अपने मकतब जाते हैं और तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं है और वो अपने वजीफे को घिनौने और बुरे कामों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो लंदन और पेरिस के जुए खानों में अपना वक्त जाया करते हैं, वो इसे तफरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका क्या हुक्म है सुल्तान मौसम? रियासत ने उन नौजवानों को वहाँ तालीम हासिल करने और फिर वापस आकर रियासत की खिदमत करने के लिए भेजा था, लेकिन हम इस्लाहात के बाद इसका कोई हल तलाश नहीं कर सके। कोई मगरबी मशरूबात का दीवाना हो जाता है तो कोई शोहरत के पीछे चला जाता है और कोई बेहयाई में मुलव्वस हो जाता है। इन तुलाबा की शनाख्त कीजिए इस्माइल हकी साहब। क्या उनके वजाइफ बंद कर दिए जाएंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने पर वो रियासत के दुश्मन बन जाएंगे। वो अपनी हर नाकामी का जिम्मेदार हमारे इस अमल से मंसूब करते हुए इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रियासत को ठहराएंगे। आपका क्या हुक्म है? अफसरान को वहां भेजें, वो उनके भाई और दोस्त होंगे और वो उन्हें उनके फराइज याद दिलाएंगे। इसके बाद भी अगर वो राह रास्त पर नहीं आते तो फिर एक ही रास्ता बचेगा, उन सबको हम वापस बुला लेंगे। जो आपका हुक्म सुल्ताने मौसम, और उनमें से कुछ नौजवान तुर्कों में शामिल हो गए हैं। अगर वो
दस्तावेजात देखने के बाद भी खुद को नौजवान तुर्कों से मुंसलिक रखते हैं तो फिर सख्त फैसला करना होगा। खलील खालिद, आपके नुकसान पर अफसोस है। अल्लाह की रहमत हो हमारे जजार भाई पर। आमीन पाशा, मुझे अफसोस है। शुक्रिया। इस शेर का नाम उमर है। अपने फराइज यूरोप में अंजाम दे रहा था, लेकिन अब ये इस्तांबुल आ गया है। और ये खलील खालिद है। मैं जानता हूं पाशा, ये पायतख्त के चाचा हैं। खलील खालिद, आज के बाद उमर आपके शाना बशाना होगा। सुल्तान मौसम ये चाहते हैं। सुल्तान मौसम की तरफ से हर किसी को कबूल करते हैं। कीमिया दान हसन समी साहब अब तक गायब हैं। उनकी अहलिया लैला खातून भी गायब है और उन्हें गायब करने वाले दुश्मन भी गायब हैं। हम ढूंढ लेंगे पाशा, हम पाया तख्त की हिफाजत करेंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। मनशियात अब तक पाया तख्त की गलियों में फैली हुई है। उन्होंने हमारी रियासत को जहर आलूद कर दिया है। क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं खलील खालिद? नहीं, मेरा दिल और दिमाग ये बर्दाश्त नहीं कर सकता पाशा। वो मनशियात डाकखाने के जरिए तकसीम करते हैं। हसन समी साहब को ढूंढने तक अगर हम डाकखाना बंद कर दें तो इस तरह हमें कुछ वक्त मजीद मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, कानूनी तौर पर हम डाकखाने को बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इसे बंद करने का कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। हम कर लेंगे पाशा। ये कैसा संदूक है और यहां क्या कर रहा है? संदूक तहखाने से लाया हूं इसे। आपको याद है ना कि ये संदूक यहां नहीं था? क्या आपको ये याद है ना सनेहा? नहीं, हमें नहीं मालूम। हमने इसलिए कहा क्योंकि ये यहां पड़ा हुआ था। एक वक्त था जब मैंने कुस्तुनतुनिया में मुहाफिज नामी एक तंजीम में आर्जी तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली थी। उन्होंने मुझसे बहुत से वादे किए लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। और फिर मुझे एक इशारा मौसूल हुआ। संदूक, इसमें एक पता था, मुलाकात की जगह का पता। मैं वहां पर गया, मैंने इसे तलाश किया लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे। यानी यह बेकार और मसनूई था। ये तंजीम आखिर क्या चाहती है? कयास ये है सनेहा कि वो वक्त आने पर इस शहर की इंतजामिया को कदीम बाजंतीनी सकाफत की तरफ ले जाएंगे और फिर वो इस शहर का सारा इंतजाम संभालेंगे और पता नहीं क्या क्या, लेकिन सब झूठ। इसका मतलब सब बेकार? बेकार है सनेहा, बिल्कुल बेकार चीजें। इन बेकार चीजों से निमटने के बजाय इन्हें साफ कीजिए। मैं करूं? बिल्कुल, आपने इसे फैलाया है तो आप ही साफ करेंगे। फिर मुझे आपके लिए तुर्क कहवा भी बनाना होगा। जी बिल्कुल। अब मजीद मोहतात रहना होगा तुम्हें, क्योंकि इस बात की तहकीक की जा रही है कि सनेहा सुल्तान की बीमारी के बाद उनके पास कौन था। ठीक है, आप परेशान मत हो। जैनब के साथ क्या होगा? यानी अपनी बहन की हकीकत जानने के बाद उसका मुंह बंद करना नामुमकिन होगा। शायद तुम अभी नहीं समझी कि मेरे लिए किसी के साथ कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। मैं ऐसा काम करूंगी कि जैनब का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और मेरे सारे जराइम भी उसी के सर होंगे। काश के सनेहा सुल्तान का इलाज यहाँ होता, मैं खुद उनकी देखभाल करती। अगर उन्हें वहां सब कुछ याद आ गया तो क्या होगा? क्या लगता है तुम्हें, तुम मुझसे ज्यादा कलमंद हो? हरगिज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बात है, सनेहा सुल्तान के लिए पहले ही किसी और को रख लिया है मैंने। अब अपना मुंह बंद करो और महल जाओ।
अहमद सलीम। हम आपकी मसरूफियत में दखल तो नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं सुल्ताना, आइए। वक्त गुजारने के लिए किताब पढ़ रहे थे। आपको मालूम है कि महल में हमारे लिए कोई काम नहीं है। सुल्ताने मुअज्जम बहुत जल्द आपको जरूर कोई काम देंगे महमद सलीम, आप अफसरदा मत हो। नाइमे ने हमें बताया कि आपने जैनब खातून को शादी की पेशकश की है। दोबारा शादी कर लेने से आप सुल्ताने मुअज्जम के फिर से करीब हो जाएंगे। जैनब ने पेशकश को कबूल नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो खुद यही चाहती थी। नहीं मालूम सुल्ताना, उनकी बहन की मौत ने उन्हें बहुत गमजदा कर दिया है, शायद ये इस वजह से हो। आज वो इसमें जाने की इजाजत लेने के लिए आई थी। क्यों, खैरियत है? वो अपने जहनी सुकून के लिए वहां जाना चाहती हैं, लेकिन हमें लगता है कोई और मसला है जो वो हमें नहीं बता रही, कोई बड़ा मसला। वालिदा। अब्दुल कादिर। नाइमे महल में नहीं है, आप जानती हैं कहां गई हैं? हम जानते हैं बेटा, नाइमे हमसे इजाजत लेकर अपनी फुप्पी से मिलने के लिए गई हैं। और आपने इजाजत दे दी उन्हें? हमें पूरा यकीन है कि उन्होंने सहाफी से मिलने के लिए बहाना बनाया है। देखिए बेटा, नाइमे हकीकतन अपनी फुप्पी जान का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। जो आपने कहा अगर वो दुरुस्त भी हो तो हम उन्हें महल में बंद नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे वालिदा, क्या हम हालात से नजरें चुरा लेंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। देखिए अब्दुल कादिर, आप जानते हैं कि हमें खुद भी यह सूरत हाल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन नाइमे की मुखालिफत इस मसले का हल नहीं है। नाइमे पर ये पाबंदियां, ये सख्त सजाएं उनके दिल में लगी आग पर तेल का काम करेंगी अब्दुल कादिर। अहम यह है कि हम उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाएं। आपके भाई ठीक कह रहे हैं, अगर आपका यही रवैया रहा उनके साथ तो आप नाइमे को खो देंगे। फूफी जान, आपको यहां आने के बाद क्या कुछ याद आया? बिल्कुल नहीं, हमने इस पूरे घर का जायजा लिया है, यहां मौजूद हर तस्वीर को बगौर देखा और याद करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार, हमें कुछ भी याद नहीं आया। ठीक है, चले हम इसे मिलकर देखते हैं, आपको सबके बारे में बताएंगे हम। ये तस्वीरें नहीं है, ये अल्फाज हैं। हमारे ख्याल में आप इन्हें याददाश्त के तौर पर लिखती थी। इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, शायद इसमें जाती बातें लिखी हों हमने। जैसा आप चाहें। देखे ये हम हैं, आपको याद आया हमारा बचपन, महमद सलीम, अब्दुल कादिर। देखिए ये सबातीन का बचपन है। आपने वैम्बरी को अब्दुल हमीद के सामने फेंक दिया। नाकाम लोग सजा के मुस्तहक होते हैं। माफ करते हैं उसे। वैम्बरी के हमेशा से दो चेहरे रहे हैं। जब वो अब्दुल हमीद को मिस्र के वाकयात बयान कर रहा था तो उसका दुरापन जाहिर हो रहा था, वो अब भी ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन आपके जाने के बाद उसने सिर्फ हमारे लिए ही काम किया है। माफ कर दें, बूढ़ा है वो। हम उसका इम्तिहान लेंगे शिवनाज, जब वक्त आएगा तो उसे दिखाना होगा कि वो अब्दुल हमीद के साथ है या हमारे साथ। हम उसे ये मौका तुम्हारी वजह से दे रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आइए जैनब खातून, बग्घी तैयार है।
मुझे बग्गी की जरूरत नहीं है। इज्मित पैदल जाने में काफी वक्त लग सकता है। आपको बग्गी से जाना चाहिए। हम आपसे तवक्को नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें। उन्होंने मुझसे शादी की ख्वाहिश की है। आपने क्या जवाब दिया? अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं जल्द ही हां कह दूंगी। अलविदा ज़ैनब, अलविदा साफ चेहरे वाली, अलविदा मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, अलविदा। ज़ैनब के महल से जाने के बाद तुम उसके कमरे में दाखिल होगी। जो चीजें मैंने तुम्हें दी हैं, तुम ऐसी जगह छुपाओगी जहां आसानी से मिल सके। मुहाफिजों को वो दवा ज़ैनब के कमरे से मिलेगी जो सिनेहा सुल्तान के पागलपन की वजह बनी, यकीनन और चीजें भी। इस तरह मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो सब ज़ैनब के जराइम बन जाएंगे। सुल्तान मौसम, वेम्बेरी का ताकुब किया हमने, लेकिन हमें अभी तक कुछ खास नहीं मिला। जारी रखिए। जो आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। मैं खलील खालिद से बात कर चुका हूं, उनका कहना है कि मनशियात की तकसीम डाखाने से की जाती है, उसे बंद करना होगा। माजी में किए गए मुहैदे रुकावट का बाइस हैं। मुत्तला कर दिया है, वो उसे किसी और तरह संभाल लेंगे। आ जाएं। सुल्तान मौसम, पेरिस से अहम खबर भेजी ज़ोत पाशा ने। इजलास की तैयारी हो रही है, लेकिन वो लोग जो आईनी बादशाहत में नुमाइंदे मुंतखब हुए थे वो पेरिस भाग जाएंगे। वहां वो अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे और गैर मुल्की रियासतें उस हुकूमत को तस्लीम कर लेंगी। वो कुस्तुनतुनिया के मुहाफिजीन की बात कर रहे हैं। बाज़ंतीनी मुहाफिज मेरी मदद करें, इस पर आपको पूछना है बाज़ंतीनियों की हिफाजत कौन करता है? कॉन्स्टेंटिन, कॉन्स्टेंटिन। आपको तंजीम में शामिल किसने किया? बाज़ंतीनियों की मदद कुस्तुनतुनिया के शहंशाह करते हैं। ये ले चाबी और जाए। निशान और एक नक्शा। कुस्तुनतुनिया के मुहाफिजिन कौन है सुल्तान मौसम? फातेह सुल्तान मोहम्मद के इस्तंबोल फतह करने के बाद आखिरी बाज़ंतीनी शहंशाह ने एक तंजीम तश्कील दी, कुस्तुनतुनिया के मुहाफिजिन। अगरचे इस तंजीम का वजूद वक्तन फवक्तन उभरता है, लेकिन अभी तक हम तक नहीं पहुंच सके। मकासद क्या है उनके? उनका मकसद आया सोफिया में सलीब लगाना है, पाए तख्त को वापस हासिल करना है, यहां की फजाओं में गूंजने वाली अजान की आवाज को रोकना है। कहा जाता था कि यह अजीम तंजीम है। ताहम सुल्तान महमूद सानी को इस तंजीम की खबर हो गई। कुस्तुनतुनिया के ये मुहाफिजीन जानिसारी दस्ते में शामिल हो गए और जानिसारी को अखलाकी तौर पर तबाह कर दिया।
इन्हें रोकने के लिए सुल्तान महमूद ने जानिसारी को खत्म कर दिया। अब वो फिर से सर उठा रहे हैं। पुराने नायबीन के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे वो और हमें नीचा दिखाएंगे और इस तरह बैरूनी मदाखलत के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। हमें इसे रोकना होगा। वो लोग किसी सूरत भी पेरिस ना पहुंच पाए। सुल्ताना, क्या आपके किए गए इकदामात का कोई नतीजा बरामद हुआ? बदकिस्मती से नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार मुश्किल होता है। आपकी इजाजत हो तो बैठ सकती हूँ यहाँ? बिल्कुल। सुल्ताना, हमने सिनेहा सुल्तान के खून की जांच की है। आपको क्या नतीजे हासिल हुए? बदकिस्मती से उन्हें जहर दिया गया है। उनकी इस हालत की वजह यह है कि वो जहर उनके खून में है। या मेरे अल्लाह, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ऐसा क्यों करेगा उनके साथ? सुल्ताना, की पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले आपको भी जहर देने की कोशिश की गई थी। हाँ, लेकिन जिस लड़की ने हमें जहर देने की कोशिश की थी, वो लड़की हरम में ही काम करती थी। यानी गद्दार अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। आप जा सकती हैं तबीबा। जुल्फत कालफा, तमाम मुहाफिजों को खबर कीजिए कि वो सब कमरों की तलाशी लें। सिनेहा सुल्तान को किसने जहर दिया है, हर हाल में मालूम करना होगा हमें। हर कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली जाए, फौरन। कारो, मेरे दोस्त, खुश आमदीद। मुझे तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी यहां बहुत जरूरत है। हम लोग यहां अपने जुए और मंशियात के कारोबार को बढ़ा रहे हैं। वैसे भी मैं चाहता हूं हम एक खानदान बन जाएं, तुम, मैं और रुबीना। हम तीन अफराद का खानदान कैसे हो सकता है? रुबीना ने तुमसे जिक्र नहीं किया? नहीं। रुबीना, मैं रुबीना से शादी करना चाहता हूं। खूब, बहुत खूब। ये फैसला रुबीना करेगी। अगर रुबीना चाहती है तो। मैं चाहती हूं। फिक्र मत करो गारो, तुम्हारी बहन को खुश रखूंगा मैं। संदार की तरफ से। संदार कौन है? जोरिस का बेटा है। बाबा का बेटा, शाबाश बेटा। हम क्या करेंगे? तैयार हो जाओ सानियन, शिकार जाल में फंस चुका है। अब तुम खलील खालिद को खत्म कर दोगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर से मिलो और वाकिफ हो जाओ, अब से ये हमारे साथ होगा। दरअसल मैं आप सबको जानता हूं, तातार साले, नादिर साहब, आसिफ एमरे, सोतलू उस्मान और शानदार को भी जानता हूं, चाचा ने बताया। और जैसा कि चाचा ने कहा, मैं उमर हूं, सिर्फ उमर। मैं आपका बोझ कम करने और आपके रास्ते पर आपका साथी बनने आया हूं। हमारे दरमियान तुम्हें खुशामदीद उमर। अहमद पाशा ने क्यों बुलाया था चाचा? तंबीह के लिए। मंशियात का कारोबार अभी भी गलियों में जारी है। मजीद ये के
हमारे कीमियादान हसन समी साहब अपनी बीवी समेत गायब हैं, अहमद पाशा ने बताया। बुजदिल लोग, उन्होंने औरत को अगवा किया था कि अपनी मर्जी का सामान बनवा सके। भतीजो, हमें मंशियात की तकसीम को फौरन रोकना होगा। अमानतदार के मिलने तक ये वाहिद रास्ता है। हम कैसे रोकेंगे चाचा, वो डाखाने से तकसीम करते हैं। ये सिपाही और हुकूमत से बिल्कुल बालातर है चाचा। रियासत के कानून के मुताबिक ये मुमकिन नहीं कि हम डाखाने को बंद कर दें। कानून सिपाहियों के लिए है मेरे भतीजे, हम उस जगह को बंद कर देंगे। मगर कैसे जनाब? एक रास्ता है। अहमद जलालुद्दीन पाशा, इसमें कुछ नाम दर्ज हैं। ये आईनी बादशाहत के वक्त नुमाइंदे के तौर पर मुंतखब हुए थे। ये वो लोग हैं जिन पर हमें कवी शुबा है कि वो इस तंजीम के रुकन हैं। क्या इनकी वजह से ही ऐवान को तहलील कर दिया था आपने? ये वाजे हो गया है कि मुंतखब नुमाइंदे रूसी जंग में रूसियों की मदद कर रहे हैं। अब वो पेरिस फरार हो जाएंगे और अवामी सतह पर अपनी गद्दारी का ऐलान करेंगे। इन सब को गिरफ्तार कर लें। हमें इन सब के बारे में यकीन नहीं है, लेकिन आप इन सब को ही गिरफ्तार करेंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। मुबारक हो, अगर आप अच्छी तिजारत करते हैं तो बहुत रकम कमाएंगे। मुझे जल्दी ना होती तो दुकान फरोख्त ना करता। ठीक है, बैंक जा रहा हूं मैं। ओ महमूद पाशा जनाब। कहाँ जा रहे हैं? पेरिस जा रहा हूँ। पेरिस? पेरिस जा रहे? आप मुलाकात में शरीक क्यों नहीं हुए? हमने साथ ही उस तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी। आप जरा ये देखिए, मैं वहां गया था, कोशिश के बावजूद मुझे कुछ नहीं मिला। क्या ये तंजीम हकीकत में है? बिल्कुल हकीकत में है, इसलिए हम पेरिस जा रहे हैं। पेरिस जा रहे हैं? जनाब, अपने दोस्तों से कहिएगा कि वो मेरा इंतजार करें, ठीक है? मुझे छोड़कर मत चले जाइएगा, आप मेरा इंतजार कीजिएगा, आप समझ गए ना? चलिए। चलो कुछ पी लेते हैं, अभी जहाज की रवानगी में वक्त है। आखिरी बार पाया तख्त को देख लें, इस शहर को आखिरी बार देखें, जिसे हम वापस लेंगे और स्लीप लगाकर इसकी इस्लामी शनाख्त खत्म कर देंगे। ये ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आ, सेनिहा, सेनिहा, मैं बताने आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ। पता नहीं कब वापसी होगी मेरी, दुआओं में याद रखिएगा। कहाँ जा रहे हैं आप? सेनिहा, एक अफसाने के पीछे रवाना हो रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा मौका है, किसी सूरत गवाना नहीं चाहता, दुआओं में याद रखिएगा। कैसा मौका, कैसा अफसाना? सिनेहा, मैंने आपको बताया था ना कि एक बेहतरीन मौका मिला है मुझे, बाज़ंतीनी खजाना ढूंढने जा रहा हूँ मैं, दुआओं में याद रखिएगा। खजाना ढूंढने, लेकिन कहाँ? सिनेहा, अभी नहीं बता सकता, जब वक्त आएगा तो मैं आपको तफसील से बता दूंगा। चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।
ये सब सामान लेकर कहाँ भाग रहे थे? कहीं नहीं, एक बेबस आदमी हूँ मैं। एक बेबस आदमी? अपनी रिहाइश का इर्द गिर्द मुहाफिज रखने वाले बुजदिल सिपाहियों, इसके पूरे घर की तलाशी लो, गिरफ्तार कर लो, ले चलो इसे। आरिफ, नाइमे सुल्तान, क्या हम आपसे कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? माफी चाहता हूँ सुल्ताना, मुझे बहुत से काम है। आरिफ, आरिफ आपको गुस्सा करने का हक है, लेकिन हम आपको सब कुछ बताने वाले थे। यहाँ तक कि आपके महल आने से पहले हमने एक वजाहती खत आपके दफ्तर भेजा था। आपको किसी किस्म की वजाहत देने की जरूरत नहीं, आप बेकार में अपना वक्त जाया कर रही हैं, क्योंकि अब मजीद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। खुशामदीद आरिफ, कल तुम नहीं आए, तबीयत तो ठीक थी? मैं ठीक हूं, मुझे काम था इसलिए नहीं आ सका। तुम्हारी मेज पर एक खत है, एक लड़की छोड़कर गई थी। हमें माफ कर दीजिएगा आरिफ, हमने इस खेल का आगाज महज अपने गुस्से की वजह से किया था, लेकिन फिर हम आपको हकीकत नहीं बता सके क्योंकि हमें आपको खोने का डर था। हम आपकी मोहब्बत में मुब्तला होकर खुद को ख्वाबों की दुनिया में खोने से रोक नहीं पाए। हम नाइमे को भूलकर हकीकतन नाजुक अंदाम बन गए। मैं भी उन लोगों में से हूँ जो मकसद पर यकीन रखते हैं, और मैं भी आपकी तरह एक तवील अरसे से खुफिया तंजीम की जानिब से खबर के इंतजार में हूँ। मुझे बतौर सिपाही कबूल कर लीजिए। उनके कमरे से दवा की शीशी मिली है, बिल्कुल वैसी शीशी जैसी आप इस्तेमाल करती हैं। बदले में आप हमें नौजवान तुर्कों से मुतालिक दस्तावेजात देंगे, और वो दस्तावेजात शाया नहीं की जाएंगी। सिपाही डाखाने के इर्द गिर्द मौजूद है। डाखाने पर कब्जा किसने किया है? खलील खालिद को डाखाने से निकलते हुए देखा गया है। अगर आप मेरी दावत को कबूल करें तो मैं आपसे बात करने के उस मौके को दोबारा हासिल करना चाहता हूँ जो मैंने नासमझी में गंवा दिया था।